हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास योगा यू। आज के हमारे वीडियो में हम आयुर्वेद में बताए गए एक ऐसे क्लासिकल ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग ज़्यादातर गर्मी में किया जाता है, जिसका नाम है धान्यक हिम यानी कि कोरिएंडर ड्रिंक। ये बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही ठंडक तथा एनर्जी देने वाला ड्रिंक है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी पित्त प्रकृति यानी कि गर्म प्रकृति है तथा जिन्हें शरीर में कोई भी सीजन हो उन्हें नेचुरली ही गर्मी का एहसास रहता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, शरीर में जलन हो, एसिडिटी, बुखार और गर्मियों में तेज़ धूप की वजह से लू लग जाने जैसी स्थिति में इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। धान्यक हिम में मेन इंग्रेडिएंट है धनिया बीज और खड़ी शक्कर, जिसे हम मिश्री कहते हैं। तो चलिए जानते हैं धान्यक हिम की रेसिपी। धान्यक हिम बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप जितना साबुत धनिया, जिसे हम मिक्सी में डालकर उसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। एक कप जितनी मिश्री चाहिए, एक बड़े से बाउल में हम 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर लेंगे, जिसका अप्रोक्सीमेटली वेट 10 ग्राम जितना होगा। अंदाजे से हम 20 ग्राम जितनी खड़ी शक्कर इसमें ऐड करेंगे। छोटी सी चुटकी जितना हम सेंधा नमक इसमें ऐड करेंगे। सेंधा नमक बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर धनिया पाउडर और मिश्री को मिला के उसका वेट 30 ग्राम हुआ है तो हम अंदाजे से इसका 6 गुना पानी यानी कि 180 ml जितना पानी इसमें ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे गर्म पानी डाला है क्योंकि हमको ये ड्रिंक इंस्टेंट बनाना है। अगर आप चाहें तो रात को ये सब भिगो के रख सकते हैं। गरम पानी डाल के इसको ढक देना है और 10 मिनट के बाद इसको हिला के देखना है कि इसमें मिश्री मेल्ट हो गई है या नहीं हुई है। मिश्री मेल्ट हो जाने पे हमें इसको छान देना है। छानने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज़ यू आर व्हाट यू थिंक।